कानूनों का देश भर में विरोध हो रहा है, लेकिन सरकार पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सरकार कह रही है कानून वापस नहीं होने वाले। नहीं, कानून तो वापस होंगे और कानून तो वापस लेने पड़ेंगे। जिस हिसाब से जनसैलाब दिख रहा है उनको, तो लेने ही पड़ेंगे। कृषि मंत्री तो कह रहे हैं भीड़ इकट्ठी करने से कोई कानून वापस नहीं होते। कृषि मंत्री जी को तो भीड़ ही लगेगी। अभी तो उन्हें भीड़ ही लगेगी। जब ये वोट में निकल के आएंगे तो उनको अपने आप समझ में आएगा। वोट तो बीजेपी को देते हैं ना। 22 में यूपी चुनाव है, उससे पहले सरकार अपने आप निर्णय। मैम, आप तो मंत्री भी रही हैं, इन मुद्दों पर थोड़ा ही वोटिंग होती है इस देश में। मुद्दे तो और होते हैं ना, वोट डालने का मुद्दे तो और होते हैं। इससे पहले मुद्दे और हुआ करते थे, लेकिन इस टाइम किसान का मुद्दा है और इसी पर ही वोटिंग होगी। आंदोलन को तेज किया जा रहा है। राकेश टिकैत जी भी हैं, हमारे जयंत चौधरी जी भी हैं, और जिस हिसाब से जनता कर रही है उस हिसाब से इनको अपना निर्णय बदलना पड़ेगा। अपना बिल्कुल किसान अपनी ताकत दिखा रहा है। 28 तारीख को जब राकेश टिकैत जी ने आह्वान किया तो सबसे पहले चौधरी साहब ने फोन किया, फिर जयंत भी उनके मंच पर गए। क्या आपको उम्मीद है किसान यूनियन आने वाले वोटों में समर्थन करेगी? बिल्कुल, और अभी भी साइलेंट समर्थन ही चल रहा है। बिल्कुल, लोग तो कुछ और ही सोच रहे हैं। लोगों के सोचने से कुछ नहीं है। वो लोग नहीं सोच रहे हैं, बीजेपी वाले सोच रहे हैं। लोग नहीं सोच रहे हैं इस चीज को, सिर्फ गोदी मीडिया और जो बीजेपी के लोग हैं बस। बाकी सब जनता का एक तरफा है कि किसान आंदोलन के साथ है सर, और ये चीज आपने देख भी ली है। संजीव बालियान जी गए थे, उनके साथ में क्या हुआ वो सभी को पता है। और एक खाप ने बैठाई भी तो वो भी तो देखना पड़ेगा ना। ये तो थोड़ा बहुत तो करेंगे ही ये लोग। संजीव से तो लोग वहाँ पर खाप में ये भी कह रहे हैं कि आप इस्तीफा देकर आइए और वो देंगे, आप लिख लीजिए देंगे, क्योंकि उनको पता है देंगे कब। 200 से ज्यादा किसान अभी मैंने कहा ना, थोड़ा सा इंतजार वो इसी बात का कर रहे हैं कि हम लोग देख लें कि हमारा नतीजा क्या आने वाला है, इसी चीज का इंतजार कर रहे हैं। ये सरकार के हाथ में बात रही नहीं अब कानूनों को लेकर। नहीं, सरकार के हाथ में है, और किसके हाथ में है? अगर दुनिया ग्लोबल मार्केट हो रही है, अगर सरकार को ऐसे सख्त फैसले लेने पड़े तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि कंपटीशन देना है ना दुनिया भर को। नहीं, कंपटीशन देना है तो किसानों के साथ ही कंपटीशन दिया जाएगा, किसानों के साथ तो नहीं देना पड़ेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि WTO से समझौता हो गया, आप तो बड़ा मुश्किल है पीछे हटना। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है मैडम। ये जो सरकार, जो मोदी सरकार है, जितने भी इसने फैसले लिए, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, 370 हो, 35 हो, 3 तलाक हो, या किसान कानून हो, किसी पे भी सरकार पीछे नहीं हटी है। तो क्या लगता है, सरकार मानेगी आपकी मांगों को? बिल्कुल मानेगी, मानना ही पड़ेगा। और नहीं मानेगी तो मैं बार बार कह रही हूँ, 22 में अपने आप नतीजा देखेगी, 24 में अपने आप नतीजा देखेगी। तो फिर 22-24 का इंतजार कर लो ना, क्यों किसानों को शहीद करवा रहे हो बॉर्डर पे? नहीं, किस चीज का इंतजार कर ले? वोट आने का आप कह रहे हैं 22 में 24 में मानेगी। हम तो कह रहे हैं उससे पहले मानेगी सरकार। आप यहाँ जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, जो और चुनाव हो रहे हैं, इनको थोड़ा सा इंतजार ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। ये लोग कर रहे हैं अपना नतीजा देखने के लिए। और मैं आपको बता दूं, इन लोगों के पास जो बार बार कहते रहते हैं ये कि हमारे पास में त्रुप का इक्का है कि हिंदू मुसलमान करवा देंगे, तो अब आप देख रहे हैं कि किसान कोई भी इस मुद्दे पे आने को तैयार नहीं है। हिंदू मुसलमान कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक धर्म है, वो है किसान धर्म, और एक जाति है खेती जाति, बस, बाकी कुछ नहीं कहीं चल रहा है। धर्म जाति खत्म हो गए भारत? बिल्कुल खत्म हो गए। ये सिर्फ बीजेपी के माइंड में है, बाकी कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। इतना महंगा पेट्रोल है, LPG महंगी हो गई है, लेकिन लोग कहते हैं कि मोदी जी के हाथ में देश मजबूत हाथों में। ये तो मैं वही कह रही हूँ, चंद लोग हैं जो बीजेपी वाले हैं, RSS वाले हैं, वही लोग कह रहे हैं। जनता त्राही त्राही मचा रही है, महिलाएं परेशान हैं, उनको सिलेंडर की इतनी महंगी कीमत चुकानी पड़ रही है, रोजगार के लिए युवा परेशान हैं। जिस तरह से पहले स्मृति ईरानी विपक्ष में थे तो रोड पे आते थे वो, हाँ जी, कोई विपक्ष में हैं जो लोग आने रहे रोड पे कतई भी विरोध करने के लिए? अपने अपने तरीके से सभी विरोध कर रहे हैं, सिर्फ ये है कि गोदी मीडिया जो है वो दिखा नहीं रही है। वही तो समझ में नहीं आता ना, विपक्ष का विरोध करने का तरीका किसी को दिखाई नहीं देता, विपक्ष का हम विरोध कर रहे हैं। मैं वही बोल रही ना, कैसे करता है विरोध? जनता को नहीं दिखाई दे रहा उसका? जनता को दिखाई दे रहा है, आप सोशल मीडिया पे देखिए, सभी लोग अपने तरीके से विरोध कर रहे हैं, सिर्फ नहीं दिखा रही तो गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है। क्या कर सकते हैं, जब गोदी मीडिया नहीं दिखा रही है तो हम लोग तो सोशल मीडिया के थ्रू ही अपना विरोध जाहिर करेंगे। गोदी मीडिया वही मोदी मीडिया, गोदी मीडिया और मोदी मीडिया एक ही बात है। तो जब उन्हें खरीद रखा है मोदी जी ने, सरकार ने, तो कैसे दिखा देगी? आप खरीद लो ना, आपको कोई पैसे कमी थोड़ा ही है? नहीं, वो बात ठीक है, कोई चीज बिकने वाली तो कोई भी खरीद सकता। पैसे पे नहीं बिक रही है, सरकार के ऊपर बिक रही है। मोदी जी के पास पैसा है, चंदा, अभी राम मंदिर के नाम पे कितना चंदा आया है आप देखिए। आप लोग तो दे रहे हो ना चंदा भी? नहीं, हम लोग नहीं दे रहे हैं, बीजेपी वाले हैं जहां तहां से छुटपुट कर रहे हैं, और वो बेईमानी से सबसे बात कर रहे हैं, दो नंबर से पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, नकली पर्चियां तक छपाई हुई हैं, जो मेरी नॉलेज में आया है, नकली पर्चियों से पैसा इकट्ठा करा जा रहा है। मंदिर के पैसा ही बेईमानी कर रहे हैं, मंदिर का उन्हें बेईमानी से पैसा चल रहा है, विरोध को करने के लिए अपनी फसल भी नष्ट कर रहे हैं। हां, वो गलत है, उसके लिए राकेश टिकैत जी ने भी कहा कि हमें नहीं करना चाहिए, हम इसी फसल के मार्फत अपनी लड़ाई आगे बढ़ाएंगे, तो ये तो मैं गलत मानती हूँ। ये जो पंचायत हो रही है, इनका कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, और आप खुद देख रहे हैं,
आप लोग हैं, हर जगह पहुंच रहे हैं, आप लोग सभी जगह बीजेपी को नुकसान हो रहा है। कुछ लग रहा है कि सफलता मिल रही है आपको, निकलेगा हल आपकी समस्या का? हाँ, सफलता तो मिल रही है थोड़ी थोड़ी, पूरी तो मिली नहीं। अरे नहीं, इतनी अच्छा इतनी तो मिली नहीं जितनी मिलनी चाहिए, पर थोड़ी थोड़ी मिल रही है, और मिल जाएगी कुछ, मिलेगी तो जरूरी। जब भी उठेंगे किसान तो भाई जब यहाँ सफलता मिल जाएगी, इतना किसान नहीं उठाने का। यो चीज अब हमारे सामने जरूरी आ गई, यो आंदोलन जो आ गया, यो हमारी लड़ाई है क्या? नहीं, मुझो की लड़ाई नहीं, हमारा यो बिल्कुल यो हमारा सत्यानाश है, जो हम यहाँ से उठ के जामे, हमारी बेइज्जती भी और हमारा नुकसान भी है। अच्छा, हाँ मतलब ये जो है जमीन छीनने वाली बात आ गई। हाँ, जमीन छीनने वाली भी, जमीन छीनने वाली भी, सारी बात आ गई, बहुत नुकसान हो गया भाई। 200 किसानों की करीब मौत हो चुकी है, चाहे सुसाइड किया हो, चाहे गोली मारी हो, चाहे फांसी लगाई हो। हाँ, उन्होंने जान भी दे दी। हाँ, अपनी फसल भी नष्ट कर रहे हैं, वो ट्रैक्टर चला रहे हैं कच्ची फसल पर। हाँ, पर सरकार की जो है कान पे जू नहीं रेंग रही है कतई भी। ऐसा है, जो भुक्का आदमी हो ना, भुक्का, उसे देश के बारे में ज्ञान नहीं होता। जो भुक्का आदमी है, भुक्का कौन है? मोदी। मोदी भुक्का है, और इसने ऐसी जगह जन्म ले रखा कि कमीन जगह, और खुद कमीन, आदत का कमीन। लेकिन ताऊजी जो गुजरात है ना, हाँ, वो करोड़पतियों का राज्य है, वहाँ गरीबी नहीं है इतनी। नहीं सुनो, करोड़पति और है जिन्होंने उसके गले में जेब लगे रखा, वो नहीं करोड़पति, वो तो अब बना जब वो प्रधानमंत्री बन गया। गुजरात तो पहले से बहुत खुशहाल है। नहीं, गुजरात तो खुशहाल है, पर वो तो नहीं था खुशहाल, वो तो बहुत नाजुक आदमी था। ये कहते हैं कि मोदी जी ने चाय बेची है, क्या आपको लगता है ऐसा? नहीं, हमने तो नहीं देखा चाय बेचता है, क्या पता पानी उनी प्याया हो स्टेशन पे, उसने भाई रेलवे स्टेशन है, समुद्र नजदीक है, यात्री बहुत आते जाते रहे, पानी पट्टा तो क्या होगा। लेकिन आरटीआई में कहीं जिक्र नहीं हुआ है कि इनका कोई चाय का कहीं वहाँ पे दुकान थी। हाँ, कोई जिक्र ऐसा आरटीआई में खुलासा नहीं दिया है, कुछ नहीं रेलवे ने नहीं दिया है। हाँ, कुछ। लेकिन जब वो चुनाव की बात आती है, बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, तो बाकायदा कहा जाता है कि मोदी जी ने चाय बेची है और देश को तरक्की करवाएंगे वो। सुनो सुनो, ऐसा है कि झूठ बोलने के आगे, अब मैं यहाँ झूठ बोलने लगूँ ना, तो उसके आगे कोई लगाम नहीं। जब मैं झूठ बोल लूँगा तो उसमें क्या लगाम है? ताऊ जी नेता झूठ तो बोलते ही है, पहले से पता है। नहीं नहीं, बेचुका झूठ, बेचुका। मैं आपको ठंडी नहीं दे सकता। हाँ, और कह रहा मैं तुझे 10 रुपए दे दूंगा, कैसे दे दूंगा भाई, कैसे विश्वास कर लिया जाए? ताऊ जी, यदि वो झूठ बोलते हैं मोदी जी, हाँ, तो दो बार इतना मजबूत कैसे उनको जनमत मिल गया? कितनी सीट आई सबसे ज्यादा उनकी? नहीं नहीं सुनो, वो झूठ बोलने से ही आई। तो लोग क्या झूठ पसंद करते हैं क्या? नहीं, हम तो नहीं करते। तो वोट कैसे मिलता उनको? कुछ लोग ऐसे हैं भाई जो झूठ को पसंद करते हैं, कुछ लोग ऐसे भी तो है जो झूठ को ही पसंद करें, वाह वाह करें। हमने जब यो सरकार, यो प्रधानमंत्री बनने मन रहा था, दो बार पंचायत करी हमने गांव में, लोगों को समझा भी, भाई इसका विश्वास ना करो, यो लोग झूठ बोलने वाला है, यो तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। नो तो नू कहते जो बालक थे ना हमारे, वे नू कहते बाबा जी आपको क्या पता, जने क्या दे दे, हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी, राड होने को तैयार रहती। नहीं मानने हमारे जब तक। आपका जनपद कौन सा पड़ता है? हमारा जनपद पड़ता है मेरठ। मेरठ, मेरठ तहसील मवाना पड़ती है। ये जो इलाका है पश्चिम उत्तर प्रदेश का, यहाँ पे राजनीति रही है चौधरी चरण सिंह की, अजीत सिंह की, रालोद वालों की, जैन चौधरी की। आपके जो बड़े नेता रहे, किसान नेताओं की उनकी पहचान रही है, अजीत सिंह, चौधरी चरण सिंह, उनका पोता जैन, लेकिन आपने उनको वोट नहीं दिया, उनको घर में बैठा दिया। अब मैं बताऊं, यहाँ तो इन्होंने जैसा कुछ करा करा, हमारे यहाँ उनका जो था वो था मिला हुआ चुनाव, गठबंधन, गठबंधन जो था, और मलूक नागर था हमारे यहाँ बीएसपी से मलूक नागर था, 68,000 से जीत हुई उसकी बीएसपी की सीट। हाँ, 68,000 से, तो हम कैसे कहते हैं भाई हमारी कमजोरी रही, हमने तो ऊपर जीता। ताऊ जी आप कहाँ से आए? मैं जलालीगढ़ से आया हूँ सर। अलीगढ़ से? तो कितने दिन हो गए आपके आंदोलन में? 25 दिन हो गए, वो पहले 15-16 दिन पहले थे, वो 15-16 दिन पहले थे। दूसरी बात, तो क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है कि सफलता मिलेगी? हाँ देखो सर, लग रहे हैं तो सफलता तो मिलेगी, लेकिन वो तो सरकार लड़ रहे हैं, बजट वो सरकार के, सॉरी बीजेपी चुनाव लड़ रही है 4-5 राज्यों में। लड़ लियो ना, देख लियो क्या की सफलता ऐसे टिका रह जाएगी, घबराओ। कुछ असर पड़ेगा? असर पड़ेगा पश्चिम बंगाल में, कुछ असर पड़ेगा?
बंगाल में क्या भागना पड़ेगा, बंगाल की तो कोई सेन नहीं आती है ममता बनर्जी। अच्छा, लेकिन वो तो अकेले चुनाव लड़ रही है इतने सारे मंत्रियों के। देख रही हूँ आगे आगे क्या होते ये काम है, आप बंगाल में ना है, अब कहूँ ना है बंगाल में। अगले साल ताऊ जी यहाँ भी चुनाव है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के 2022 में, उसमें कुछ असर पड़ेगा आंदोलन का? यहाँ योगी भागना पड़े भाग जाएंगे तो, लेकिन वो तो कहते हैं कि हमने खुशहाल कर रखा है उत्तर प्रदेश। खुशहाल कहाँ से कर रखा है सर।